घटनाक्रम ये हुआ कि मेरे बड़े भाई पुष्पेंद्र सिंह, जिनका नाम अब आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक तीरवी बंधु से एक प्लॉट खरीदा जिसकी पूरी कानूनी कागजी कार्रवाई की गई। एक दूसरे पक्ष ने उस पर आपत्ति जताकर वहां पर कब्जा करने की कोशिश की। तीन बार पुलिस ने इसकी कंप्लेन हुई, पुलिस ने काम भी रुकवाया, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि सत्ता का कितना मद है, उसने बाहरी लोगों को बुलाकर उन पर हमला करवाया और उस हमले में जो भी हुआ वो सबको पता है। लेकिन बात ये थी कि छोटे से जमीनी विवाद आज यहाँ पर कैसे पहुंचा। आप जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित, अपराध सिद्ध होने के पहले अपराधी घोषित कर रहे, वो कानून की शरण में 5-5 बार गया, लेकिन जो कानून मंत्री है, रहे हुए पूर्व कानून मंत्री है, जो सांसद है, उन्होंने कानून की, भारत के संविधान की, भारत की न्याय संहिता की, जो उनकी खुद की पार्टी ने अभी 2 महीने पहले भारत में लाई है, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन पर दबाव बनाया और हमारे खिलाफ हमारी जमीन पर, जमीन राजपूत की मां होती है, हमारी मां पर उन्होंने अटैक किया, इसलिए यह समाज आज उद्वेलित हुआ है। उसके पहले हम कभी समाज के पास नहीं गए, 3-4 बार हमारे पास फोन भी है, हमने कहा नहीं, ये हमारा निजी मामला है, हम समाज का एक पल भी इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बात यहाँ तक पहुंच गई, हमें लगा कि अब ये बात जो आग हमें लगता था कि किसी अतीक अहमद के घर होती है, आज हम अतीक अहमद घोषित हो चुके हैं। ये बात जब हुई तब समाज को उद्वेलन हुआ, हमें काफी लोगों ने सपोर्ट किया कि अब हमें आवाज उठानी चाहिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आज आप इतनी भारी संख्या में पधारे, हमारे परिवार के साथ ही नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बात है ये सबकी है, आज हमारे साथ हुआ है। और मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब सोचते हैं दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर के किसी फ्लैट में अपना जीवन बना लेंगे, लेकिन अगर हमने समाज में अपनी भागीदारी नहीं दिखाई, समाज में जो सौहार्द हमने कायम करने के लिए अपना योगदान नहीं दिया, तो ये आग आपके घर में भी आएगी जैसी आग आज हमारे घर में आई है। मैं काफी लोगों ने कहा कि हमें सबके घर तोड़ने चाहिए, मुझे आज पता चला कि सरकार अपने ऊपर जब अटैक होता है तो उसका दर्द क्या होता है, उसकी पीड़ा क्या होती है। इसलिए हम सब युवाओं का ये फर्ज है कि हम अपने आने वाले आज इन सब बुजुर्गों के नेतृत्व में किस तरह का देश चाहते हैं, या तालिबानी बातें चले या फिर कानून, संविधान और न्याय के हिसाब से बात चले। अगर जो भी बात हुई है उसके लिए कानून में काफी प्रावधान है, उनके तहत बात होती तो हम कभी यहाँ नहीं आते। लेकिन इस तरह से जिन लोगों को हमने सत्ता के ऊंचे पदों पर बिठाया, उन्हीं लोगों ने हमारी पूरी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी आजादी, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने सदियों तक लड़ाई की, जिसके लिए हमारे 37 कौम के लोगों ने लड़ाई की, और हमारे लिए सत्ता के ऊपर अंकुश रखने के लिए जो इदारे बनाए, जो इंस्टीट्यूशन बनाए, उनकी एक पल में धज्जियां उड़ाई गई। इसलिए मैं आप सबसे, मैं ये पूरा विरोध अपने परिवार के बारे में नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ये मेरे परिवार की अकेले की बात नहीं है, ये हमें विचार करने की बात है। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आज जो हमने शांतिपूर्वक तरीके से पाली के अंदर ये जो महान महाघेरा का आयोजन किया है, हम बड़ी शांति से इसका करें, संवैधानिक मर्यादाओं के, कानून की मर्यादाओं में रहते हुए अपना ये काम करें, ताकि पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए कि राजपूत समाज के साथ साथ जो भी दूसरे समाज यहाँ आए हैं वो अनुशासित हैं, वो कानून में विश्वास रखने वाले हैं, क्योंकि हमारा विरोध उन्हीं से है जिन्होंने कानून में विश्वास नहीं किया। इसके साथ साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ और भी बातें कहनी है। कल मैं आप सभी को पवित्र पर्व भाभी बीज की शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी से ये आई माता से ये निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमारे समाज में शांति कायम हो, जो हमारा भाईचारा सदियों से चला आ रहा है वो बना रहे, और जिन लोगों ने सच्चा के मन में या और किसी गलत फहमी में जो उल्टा काम किया है, आई माता उनको सद्बुद्धि दे और हम सब की शांति और हम सब का जो ये भाईचारा है ये बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ पधारे, हमारे परिवार के साथ हमें हिम्मत बंधाई, हम आप लोगों के सदैव ऋणी रहेंगे, हम ही नहीं हमारी पीढ़ियां ऋणी रहेंगी, शायद ये ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी।